बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा। इसके लिए हमें चाहिए मटन, तकरीबन 1.5 किलो हमने लिया है, और इसमें हम 1 कप से ज़्यादा ऑयल डालेंगे, और प्याज फ्राई होने के लिए इसमें डाल देंगे। तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज हमने इसमें फ्राई करने, गोल्डन करके इनको निकालेंगे। ये हमारे प्याज हमने निकाल दिए हैं। इसी ऑयल में हम अब ये मटन डालेंगे फ्राई करने के लिए। मटन हमारा फ्राई हो रहा है, इसके ये हम मसाले बता रहे हैं आपको। तकरीबन 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, नमक, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच सफ़ेद जीरा पिसा हुआ, 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चम्मच और सूखा धनिया 1 चम्मच, और 4 अदद हमने इलायची ली है, वो भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है कोरमे में। मटन हमारा फ्राई हो चुका है, इसमें हम लहसुन अदरक पेस्ट डाल रहे हैं और साथ में ही ये इलायची दाने डाल रहे हैं ताकि अच्छे से भुन जाए। इसमें ये इसमें लहसुन अदरक और इलायची अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें हम ये बाकी के मसाले डाल रहे हैं, अच्छे से डाल दें और इनको अच्छी तरह भून लें। मसाले इसमें अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम बड़े साइज का 1 टमाटर डाल देंगे 2 पीस करके। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, इसमें हम तकरीबन 1 कप के करीब दही डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। दही की अच्छे से ग्रेवी हो चुकी है, इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है और टमाटर गोश्त के साथ ही गल जाएंगे। इसमें हम 1 गिलास पानी डाल दें ताकि ये गोश्त अच्छे से गल जाए, और 5 मिनट या 7 मिनट का वेट लगा देते हैं। ये 5 मिनट के वेट के बाद हमारा ये गोश्त जो गल चुका है, और ये प्याज भी ठंडे हो चुके हैं, इसका हम चूरा कर लेंगे और अभी इसको इसमें डाल देंगे। ये देखें, इसका हमने हाथों से चूरा कर लिया है और ये दम में जब डालेंगे तो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। इसमें डाल देते हैं अभी, अच्छे से प्लेट साफ करके इसके अंदर डाल के इसको हम दम पे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हम 1 कप दही में हमने कोरमा मसाला डाला और इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और इस पहले भून लेंगे फिर इसको हम दम पे रखेंगे। ये हमारा कोरमा तैयार हो चुका है, मटन कोरमा। इसके जो गोल्डन प्याज हमने डाले थे उसकी बेहद ही प्यारी खुशबू आ रही है, इसे हम डिश आउट करते हैं। ये हमारा मटन कोरमा तैयार हो चुका है। हमने दही में 1/2 चम्मच कोरमा मसाला भी डाला था, लेकिन घर के मसाले में भी बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।